हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं समरीना और आज हम बनाने वाले हैं दम आलू बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहां मैंने बेबी पोटैटोज को ले लिया है, उसको थोड़ा सा सॉल्ट डाल के बॉईल कर दिया था। सॉल्ट डाल के बॉईल करने से उसकी जो पीलिंग होती है वो अच्छे से हो जाती है। उसके बाद उसको पील करके हमें उसे फोक से बहुत अच्छे से पोक करना है। पोक करने के बाद एक कढ़ाई में या पैन में आपको ऑयल लेना है और सारे पोटैटोज को आपको शैलो फ्राई करना है। आप डीप फ्राई मत करना, क्योंकि डीप फ्राई करने से आलू जो होता है वो बहुत ज़्यादा तेल को पी लेता है, सोख लेता है। तो हमें यहाँ शैलो फ्राई करना है। जब आलू रेडिश ब्राउन होने लगे तो हमें इसे बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद इस आलूओं को ठंडा करने के लिए हमें रख देना है। एंड सेम पैन में हमें दालचीनी, लौंग और ज़ीरा ऐड करना है साबुत। उसके बाद इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें अच्छा से जब इसका तड़का लग जाएगा तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हम इसको सॉटे करेंगे। सॉटे करने के बाद इसका कच्चापन निकल जाएगा। उसके बाद हम अपना बाकी का मसाला ऐड करेंगे। तो हमको दही में बनाना है। दही में बनाने के लिए हमने यहाँ पास जो मसाले लिए हैं पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। मसाले आप देख के मिक्सर के आप पहले भी रख सकते हैं और यहाँ मैंने दिखाने के लिए आपको स्क्रीन पे किया है, तो आप इसे पहले भी मिक्स करके रख सकते हैं। तो दही अच्छे से सारे मसालों में बाइंड हो जाती है। उसके बाद यहाँ मसालों को हम अपनी पैन में डालेंगे। पैन में डालने के बाद हमने कुटी मिर्ची ली है। कुटी मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये जो मसाला डाला है ये मैंने इसी में पानी मिला के इसको डाल दिया है। और जितना आपको पानी चाहिए आप उसमें ऐड करें और इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉटे करें। जब आप देखें कि इसका ऑयल थोड़ा थोड़ा रिलीज़ होने लगा है, अपनी फ्राइड पोटैटोज ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसमें पानी रखना है थोड़ा सा, क्योंकि जो हमने पोक किया था, पोक जो करा है, इससे आलूओं के अंदर हमारा मसाला अच्छे से जज्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा आलू मसाला, तो आलू और टेस्टी हो जाएंगे खाने में। तो यहाँ पास देखिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पास मैंने जो थोड़ा सा पानी ऐड किया था, उसके सिवा मुझे पानी नहीं ऐड करना। आप अपने हिसाब से ग्रेवी को थिक और स्लरी रख सकते हैं। यहाँ पास मैंने इसको कवर किया, दम लगाया। 10 से 15 मिनट्स लगेंगे, आलू हमारा बनके तैयार हो जाएगा। दम आलू देखिए ऑयल रिलीज हो चुका है। अब आप इसको किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, रोटी, पराठा, राइस। और थोड़ी सी यहाँ गार्निशिंग के लिए हम क्रीम डालेंगे। क्रीम के साथ इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। तो बनाना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, डू शेयर एंड डू लाइक। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट बहुत ही मैटर करता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप इन्जॉय करें इन मानसून दम आलू बहुत ही इजी तरीके से। लास्ट में आपको इसमें ऐड करना है लौंग का पाउडर। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें, बट लौंग के पाउडर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप इसे बनाएं, खाएं, मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा, आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेके आऊँ, और डेली और हिसाब से बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं। टिल देन बाय बाय।